हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो LED बल्ब होता है हमारा, इसको आप किस प्रकार सबसे बेस्ट तरीके में, सबसे A1 क्लास में बना सकते हैं कि आपके जो बल्ब की रिप्लेसमेंट रेशियो है वो बहुत कम रहे। तो मैं आपको प्रॉपर एक एक चीज की, इसका इस बल्ब में क्या महत्व है, जो भी इसमें लगते हैं मटेरियल, उनका प्रॉपर आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। कि जैसे नॉर्मल स्क्रू है, कि एक स्क्रू लगाने से क्या बेनिफिट है, दो स्क्रू लगाने का क्या बेनिफिट है, या जो हम इसमें हीट सिंक कंपाउंड लगाते हैं उसका क्या बेनिफिट है। तो मैं ये सारी चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो प्लीज वीडियो के अंत तक बने रहे, और अगर अभी तक भी किसी भाई ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए देर ना करते हो, जैसा कि मैंने बताया कि बल्ब को कैसे बनाते हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूं कि एलईडी बल्ब को किस प्रकार आप सबसे बेस्ट क्वालिटी में बना सकते हैं, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप। और इसमें जो PCB होती है उसका क्या यूज है, जो ड्राइवर है उसका कैसे, और किस प्रकार आप उसको, ये जो मटेरियल है एलईडी बल्ब का, जो बनता है एलईडी का बल्ब, उसमें यूज होने वाले जो आइटम है, ये उसकी हाउसिंग है, ये उसकी टिकली है, ये उसका B22 कैप है, जो उसमें यूज होने वाला है सोल्डर वायर है, इस ये स्क्रू है। तो ये सारी की सारी चीजें एलईडी बल्ब में बनाने के लिए यूज होने वाली है, और ये हीट सिंक कंपाउंड है। तो ये जो आइटम है, ये इसका डिफ्यूजर है। तो ये सारी चीजें एलईडी बल्ब बनाने में यूज होने वाली है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार हम बल्ब की बनाने की स्टार्टिंग करते। सबसे पहले हमें बल्ब का ड्राइवर लेना है, बल्ब के ड्राइवर और PCB और प्लेट को। तो सबसे पहला स्टेप, जो हमें अपनी PCB को टिकली के साथ, जो ये प्लेट होती है इसके साथ इसको लगाना है। तो इसका जो सबसे पहला स्टेप है, जो हमारा ये हीट सिंक कंपाउंड होता है, हीट सिंक कंपाउंड को हमें प्रॉपर प्लेट पे लगा देना है, प्रॉपर अच्छी तरीके से। इसका जो मेन यूज है, जो हमारा हीट सिंक कंपाउंड होता है, इसका मेन यूज है ओनली ऑन हमारी जो ये प्लेट होती है और PCB होती है, प्लेट और PCB को प्रॉपर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना। कनेक्ट इसलिए करना क्योंकि अगर हमारी, अब ये प्रॉपर आप देखेंगे कि जो हमारा एक्स्ट्रा था कंपाउंड बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने से क्या होता है कि जो हमारे PCB और प्लेट के बीच का जो गैप होता है वो पूरी तरीके से भर जाता है, और हमारी जो PCB की कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब इसके बाद कुछ लोग एक स्क्रू लगाते हैं, कुछ लोग दो स्क्रू लगाते हैं। तो स्क्रू एक या दो का क्या बेनिफिट है, एक स्क्रू लगाने से या दो स्क्रू लगाने से, एक स्क्रू लगाने से हमारा क्या होता है नॉर्मली कि जो हमारी प्लेट होती है वो एक तरफ से उठ जाती है, लेकिन प्रॉपर दो स्क्रू लगाने से हमारी जो प्लेट है वो प्रॉपर कनेक्ट हो जाती है हैवी तरीके से, और वो इधर उधर नहीं जाती है, ना किसी भी एंगल से वो उठती है। तो हमने स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये दोनों स्क्रू प्रॉपर इसमें कस दिए, आप प्रॉपर देख पाएंगे, अब ये दोनों स्क्रू हमने इसमें कस दिए। अब जो हमारा हीट सिंक कंपाउंड है, जो एक्स्ट्रा निकला हुआ है, उसको हम प्रॉपर इस तरीके से PCB के पास लगा देंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारी PCB आप प्रॉपर देख पा रहे होंगे, प्रॉपर कनेक्टिंग, ये हमारा इधर प्रॉपर, ये वायर जो हमने इसमें, हमने स्क्रू लगाया वो प्रॉपर इसमें स्क्रू टाइट हो गया, PCB के आप देखेंगे बिल्कुल फिट तरीके से हमारी प्लेट के साथ कनेक्ट हो गई। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा ड्राइवर होता है, इस ड्राइवर की वायर को, ये जो हॉल होता है इसके अंदर से हमें बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद इसको थोड़ा सा वायर को कपड़े की मदद से साफ कर लेना है, क्योंकि कंपाउंड इस पे लग जाता है, थोड़ा सा कंपाउंड लग जाता है क्योंकि हॉल के अंदर थोड़ा बहुत कंपाउंड चला जाता है। इसके बाद शोल्डर जो फ्लक्स होता है, शोल्डर फ्लक्स को, ये शोल्डर फ्लक्स होता है, शोल्डर फ्लक्स को हमें अपने वायर पे लगा लेना है। इससे क्या होता है कि जो हमारी कनेक्टिंग करने की पावर होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, और ये बड़े इजीली तरीके से शोल्डरिंग हो जाता है। तो ये हमारा प्लस वाला जो पॉइंट है रेड के साथ कनेक्ट कर दिया, और जो माइनस वाला पॉइंट है वो माइनस ब्लैक वाले वायर के साथ हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे कि हमने ये वायर को कनेक्ट कर दिया है प्रॉपर तरीके से, और ध्यान रखना है कि ये जो हमारी सोल्डरिंग हुई है थोड़ी अच्छी हो, क्योंकि जब हमारी PCB गर्म होती है, अगर हमारी सोल्डरिंग अच्छी नहीं होती तो ये प्रॉपर हट जाता है। अब आप देखेंगे प्लस वाला रेड के साथ, माइनस वाला ब्लैक के साथ प्रॉपर कनेक्ट हो गया, और इस तरीके से हमारा ड्राइवर और PCB का कॉम्बिनेशन प्रॉपर बन गया है, प्रॉपर इस तरीके से हमारी PCB के साथ ये कनेक्ट हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, वो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको
इसमें प्रॉपर ये जो हाउसिंग के अंदर ये नॉच होती है, प्रॉपर आप देखेंगे नॉच होती है, जो ये दो पॉइंट होते हैं इनके बीच में हमें ड्राइवर को प्रॉपर लगाना है। इसमें दो जगह नॉच होता है, जिसमें फिट आता है उस वाले नॉच में हमें लगा लेना। उसके बाद हमारा ये प्रॉपर, हमने ये लगाने के बाद ये हमारा जो ड्राइवर है और पीसीबी है ये कनेक्ट होने के बाद हाउसिंग में पहुंच जाता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि इसके बाद B22 लगाना है, या कुछ लोग पहले प्रेस कर लेते हैं, तो पहले मैं आपको B22 लगा के दिखा देता हूं, उसके बाद कैप पंचिंग और प्रेस पंचिंग आपको करके दिखा देता हूं। तो प्रॉपर अब हमको क्या करना है, हमें इस तरीके से, क्योंकि हमें B22 के अंदर इसको लगाना है, तो प्रॉपर थोड़ा वायर को हमें इस तरीके से ओपन कर लेना है ताकि सोल्डरिंग करने में आसानी हो। प्रॉपर इस तरीके से करने के बाद अब हमको जो यहाँ करना है वो प्रॉपर, अगर अभी तक भी किसी भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये प्रॉपर, अब आप प्रॉपर देखेंगे कि हमने जो हमारी वायर है ये प्रॉपर ऊपर की तरफ आ गई। अब इसके बाद हमें B22 को सोल्डरिंग करना है। B22 को सोल्डरिंग किस प्रकार करना है प्रॉपर आप देखिए, थोड़ा सा हमें इस पर फ्लक्स अगर हम लगा लेते तो बहुत ही आराम से ये सोल्डरिंग हो जाती है B22 की, जो आईज है उनको सोल्डरिंग। और यहाँ हमें जो सबसे मेन ध्यान देना है कि हमें सोल्डरिंग काफ़ी अच्छी तरीके से करनी है, क्योंकि अगर हम सोल्डरिंग कम करते हैं तो उसका सबसे बड़ा इफेक्ट ये है कि हमारे B22 होल्डर में जब इसको लगाएंगे हम B22 होल्डर में, और यह जो होल्डर होता है उसमें हम इसको लगाते हैं, और अगर हम सोल्डर कम यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बल्ब के उसको लगाते टाइम स्पार्किंग होती है, और अगर स्पार्किंग होती है तो वोल्टेज के स्पार्किंग होने की वजह से बल्ब को डैमेज होने के चांस होते हैं। तो प्रॉपर सोल्डरिंग हमें करनी है, प्रॉपर तरीके से सोल्डर इस पर लगाना है। यहाँ पे हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से देखना भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये प्रॉपर सोल्डरिंग कर दिया, इधर वाली जैसे सोल्डरिंग है इधर वाली कम है, तो दोनों पे प्रॉपर हमें सोल्डरिंग करनी है। थोड़ी देर इस तरीके से करने से क्या होता है कि पूरे पे हमारी लिड पे सोल्डर पहुंच जाता है। अब जो इसकी एक्स्ट्रा वायर है, जो एक्स्ट्रा हमारी B22 की वायर थी, हमने उसको प्रॉपर काट दिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप, अब आप देखेंगे आपके प्रॉपर बल्ब इस प्रकार बन के तैयार हो गए। ये इससे पहले आप एक स्टेप और कर सकते हैं, B22 सोल्डरिंग करने से पहले आप इसको सीरीज से एक बार लगा के चेक कर सकते हैं कि आपका बल्ब ये जो हमने पीसीबी और ड्राइवर लगाए वो जल रहे नहीं। इससे क्या होता है कि हमारे कैप की सेविंग हो जाती है, ये रहा हमने प्रॉपर जलाया जल गया। तो इस वाले ऑप्शन को आप B22 को सोल्डर करने से पहले भी आप इस आइटम को चेक कर सकते हैं सीरीज पे। तो इससे क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ऑलरेडी उसको रिपेयर कर लेते हैं, हमारी B22 का स्पॉइल ये खराब नहीं होता। तो ये प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम एक बार इसके B22 को कैप करेंगे और किस प्रकार हम इसकी टिकली को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम इस डिफ्यूजर को इसके ऊपर लगाते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे है। देखेंगे आप जो बल्ब है हमारा, हम बल्ब को इस डाय में डालेंगे, पहले डाय में डालने के बाद प्रॉपर इस तरीके से इसको फिट कर लेना है ताकि आपकी जो बॉडी हाउसिंग वो इधर उधर ना जाए। अब हम आपको दिखाने वाले कि प्रेस किस प्रकार करना है। अब प्रेसिंग मशीन से इसको प्रॉपर बड़े प्यार से धीरे से इस प्रकार हमें इसको प्रेस कर देना है। अब ये देखिए आप प्रॉपर कि जो हमारा बल्ब है वो प्रॉपर प्रेस हो गया है। आप देख सकते हैं कि जो इसकी प्लेट है वो प्रॉपर एकदम तरीके से फिक्स हो चुकी है। प्रॉपर कंपाउंड लगाने के बाद जो हमारा बल्ब था उसकी आप प्रॉपर फिनिशिंग देख सकते हैं, प्रॉपर एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास एवन तरीके से। अब हम इसको B22 को पंच करने वाले हैं। हमें B22 को पंच करते टाइम अगर हम ऊपर से हाथ रखते हैं, उसका रीजन ये है कि हमारा जो बल्ब है वो प्रॉपर नीचे तक उसमें पंच हो जाए। देखिए यहाँ प्रॉपर पंच हो गया, अगर ये थोड़ा ऊपर रहता है तो प्रॉपर इस तरीके से पंचिंग नहीं होता। अब इसके बाद ये प्रॉपर बल्ब बनके तैयार है, प्रॉपर हमने कैप पंचिंग कर दिया है, प्रेस पंचिंग हो गया है। तो अब इसके बाद डिफ्यूजर लगा के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार ये बल्ब बनने वाला है। तो प्रॉपर ये डिफ्यूजर लगाने के बाद अब हम आपको इसको प्रॉपर जला के दिखाएंगे कि इसकी क्या ब्राइटनेस होने वाली है। प्रॉपर आप देखिए सीरीज से हम इसको चेक करते हैं तो आप देखिए किस प्रकार, ये देखिए आपका बल्ब बन के तैयार है। सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर आपका बल्ब बन के रेडी है। और इस यहाँ पे देखेंगे भी आप प्रॉपर LED बल्ब के ड्राइवर जो बने हुए हैं वो किस प्रकार बने हुए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में बना के तैयार किया गया। और इसके अंदर आप देखेंगे जो हमने फ्यूज लगाया हुआ है 2 वाट का हैवी क्वालिटी का फ्यूज लगाया हुआ है। देखिए आप प्रॉपर देखिए 2 वाट का हैवी क्वालिटी का फ्यूज लगाया हुआ है।
ये प्रॉपर बल्ब का ड्राइवर रेडी हो रहा है, प्रॉपर क्वांटिटी में प्रॉपर आप देख भी पा रहे हैं ना। ये प्रॉपर देखिए, प्रॉपर 9 वाट के बल्ब के ड्राइवर का पूरा ड्राइवर भी रेडी किया जा रहा है, प्रॉपर आप देख सकते हैं। ये प्रॉपर आप देख सकते हैं, प्रॉपर ड्राइवर का बनाने का काम है, प्रॉपर ड्राइवर किस तरीके से यहाँ पे बना के रेडी किया गया, भरपूर मात्रा में ये ड्राइवर यहाँ पे बनता हुआ प्रॉपर आप देख सकते हैं। प्रॉपर ये बल्ब का ड्राइवर का काम किस प्रकार